हेलो एवरीवन। तो देखिए, हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के अगले पार्ट में पहुंचे हैं और उसमें भी आपको न्यूमेरिकल करना है। जरा देखिए ध्यान से। अब ये जो क्वेश्चन है, देखो इसमें 6 ग्राम यूरिया एंड इतना ग्राम NaCl आर डिसॉल्व इन 5 लीटर, मतलब 5 लीटर का कंटेनर है, उसमें ये डिसॉल्व हो गया। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा? तो अब देखो, अभी तो दोनों क्वेश्चन किए तो उसमें एक टाइप का सोल्यूट था, यहाँ देखो तो दो टाइप के सोल्यूट हैं। तो हम लोग इसको अलग कैसे बनते हैं? अगर मान लो कोई सोल्यूशन कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सोल्यूट, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का अगला न्यूमेरिकल जो हम लोग केसेस करके पढ़ते हैं केस फर्स्ट, ठीक ना। इफ सोल्यूशन कंटेन, जो भी तुम्हारा सोल्यूशन दे गया है जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे, ठीक ना, तो तुम्हें क्या करना है, पूरे सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। तो क्या करेंगे, देखो, इफ सोल्यूशन कंटेन मोर देन वन सोल्यूट, सोल्यूशन कंटेन मोर देन, ठीक है ना, मोर देन वन टाइप ऑफ सोल्यूट, मोर देन वन टाइप ऑफ सोल्यूट, तब इस केस में हम लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे आएगा। एकदम आसान सा, कुछ नहीं करना है। तो देखो, एक कंटेनर है ये, इस कंटेनर मान लो हमने क्या किया, बहुत सारे अपने पास सोल्यूट हैं, तो हमने मान लो इसके अंदर सोल्यूट वन मिक्स कर दिया अपने अंदर, मुझे देखो कुछ लीटर का सोल्यूशन था और हमारे पास मान लो सोल्यूशन वॉल्यूम फिक्स हो गया। यहाँ से मान लो अपने पास एक सोल्यूट और था, सोल्यूट नंबर टू, इसको भी लाके यहाँ मिक्स कर दिया, सोल्यूट वन भी यहाँ लाके मिक्स कर दिया, और अपने पास सोल्यूट थे, ठीक है, मान लो अपने पास सोल्यूट थ्री है, इसको भी लाके यहाँ मिक्स कर दिया। तो अब देखना ध्यान से, अगर मैं इस पूरे सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई टोटल पूछूं, तो पाई टोटल क्या हो जाएगा, सोल्यूट वन का ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस क्या हो जाएगा, सोल्यूट टू का ऑस्मोटिक प्रेशर, और प्लस क्या हो जाएगा, सोल्यूशन थ्री का ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लस सो ऑन, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं फॉर्मूला लिख लूं, तो फॉर्मूला अगर लिखूंगा तो ये देखो क्या हो जाएगा भाई, एन थ्योरेटिकल, ठीक है ना, और कौन सा, वन वाले सोल्यूशन का, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, सोल्यूशन का वॉल्यूम, इनटू क्या हो गया, देखो आर इनटू टी इनटू क्या हो गया, वन टा फैक्टर आई वन सोल्यूट का, प्लस देखो ध्यान से आई टू के लिए देखो एन थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, और किसके सोल्यूशन के लिए, देखो दूसरे सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया, वी इनटू क्या हो गया, आर इनटू हो गया टी, और दूसरे वाले सोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, देखो वन टा फैक्टर मान लो आई टू, तो ऐसे ऐसे तुम्हारा होता चला जाएगा, और यहाँ से हम लोग पाई टोटल आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये हो गया पाई टोटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। थोड़ा और इसको इक्वेट कर दिया जाए तो सब में देखो आर टी डिवाइडेड बाई वी, ये तो सब में कॉमन होगा, तो आर टी डिवाइडेड बाई इस सब में कॉमन है, फिर फॉर्मूला और यहाँ डिराइव कर लिया जाए, ये देखो क्या हो जाएगा, अच्छे से देखो क्या हो जाएगा भाई, एन थ्योरेटिकल, ठीक है ना, एन थ्योरेटिकल वन इंटू क्या हो गया आई वन, तो एन थ्योरेटिकल वन को एन वन एन टू एन थ्री लिख देते हैं, बहुत अच्छी बात रहेगी। इसकी थ्योरेटिकल मोल मान लो एन वन है, ठीक ना, इंटू क्या हो गया देखो आई वन, प्लस देखो ध्यान से, ठीक है ना, देखते रहना, दूसरे वाले सोल्यूशन का मोल क्या हो गया एन टू, वन टा फैक्टर आई टू, तीसरे वाले सोल्यूशन का मोल एन थ्री, वन टा फैक्टर आई थ्री, प्लस सो ऑन, ये तो हो गया ये फैक्टर, और आर टी डिवाइडेड बाई वी सब में कॉमन रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, ये आप यहां से आके कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अब तो आसान हो गया, उसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तुम्हें बताता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ देखना ध्यान से, स्पेस है अपने पास, तो सोल्यूशन वन, वन वाले का सोल्यूशन देखो खुद एक बार ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके, बाकी देखो आसान है, कुछ करना ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग मोल निकाल लेते हैं, N1 कितना होगा 6/60, यूरिया का मोलर मास 60, मोल कितना हो गया 1/10, ठीक ना। N2 निकाल लेते हैं, NaCl का मोल, तो NaCl का वेट 58.5 दे रखा, 5.85 दे रखा है, मोलर मास 58.5, मोल अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना हो गया 0.1, ठीक ना। ये हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, देखो यूरिया के लिए, दूसरा सोल्यूट अपना क्या है NaCl, दोनों अच्छे से लिख लीजिए, यूरिया के लिए वन टा फैक्टर 1, NaCl के लिए वन टा फैक्टर 2, अब तो मुझे सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है ना। आर की वैल्यू देखो, सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे 1/12, ठीक ना, लीटर ATM, मोल की पावर -1 और केल्विन की पावर -1 या पर मोल पर केल्विन, ऐसे मैंने लिख दिया। टेम्परेचर देख लो ध्यान से, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में सॉल्व करो कितना हो गया 300 केल्विन। तो देखो सब कुछ पता है, अब अपने को सिंपल सा फॉर्मूले में ले जाके रख देना है, तो यहाँ मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इधर थोड़ा इसी के नीचे लिख देता हूँ, आप यहाँ देख लो ध्यान से। तो पाई टोटल इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूले से मैं लिखता हूँ,
तो अब देखना ध्यान से N1 ठीक है ना, कितना मोल हो गया 1/10 यानी कितना हो गया 0.1, I1 कितना हो गया 1 ठीक है ना, इसका मोल भी देखो कितना हो गया 0.1 ठीक है ना, और इसका वांटा फैक्टर कितना हो गया देखो 2, और ये क्या हो गया R की वैल्यू कितनी हो गई देखो 1/12, टेम्परेचर कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 5। ये सब सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1.5 atm। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम देखो सॉल्व हो गया। तो आई होप ये वाला प्रॉब्लम भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है ना। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का नेक्स्ट केस, अगले क्वेश्चन में समझो उसको ध्यान से। अब देखो क्या है, 2 लीटर ऑफ 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन मतलब एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है जो 3 लीटर का है उसमें 2 मोलर NaCl है और दोनों को मिक्स कर दिया 27 डिग्री सेल्सियस पे, तब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा। तो अब हम लोग देखना ऑस्मोटिक प्रेशर का अगला केस पढ़ते हैं और वो केस नंबर क्या हो गया तुम्हारा 2। पहले केस आ गया समझ में, तो केस नंबर 2 में देखो ध्यान से हम लोग क्या बोलेंगे, इफ 2 or more ठीक है ना नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन आर मिक्स, मतलब नॉन रिएक्टिंग होना बहुत जरूरी है ठीक है ना, नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन मिक्स करेंगे तभी आएगा। इफ 2 or more यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन आर मिक्स, जैसे कि देखो NaCl और ग्लूकोज वाला मिक्सचर मिलाया जा रहा है ठीक है ना। तो अगला केस देखना ध्यान से, इसको बता दूं मैं अगले केस में देखना ये वाले क्वेश्चन के लिए सेकंड वाला। तो सेकंड वाला क्या पूछ रखा है, देखो यूरिया का सोल्यूशन है उसका सोल्यूशन है तो इसको मिक्स करेंगे वांटा फैक्टर कितना होगा। तो अगला केस देखते हैं हम लोग, केस नंबर 2, इफ 2 or more जो भी है 2 or more नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन, जो भी आपके पास है 2 or more नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन, नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन आर मिक्सड, नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन आर मिक्सड ठीक है ना, तो उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। तो हम लोग ऐसे कंटेनर बना लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, मान लो अपने पास एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन को हम लोग मान लेते हैं सोल्यूशन 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे ज्यूम कर लेता हूं मैं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है π1 और इसका वॉल्यूम कितना है V1। दूसरा सोल्यूशन अपने पास है, अपना कंटेनर और ले लिया इस सोल्यूशन के लिए भी ठीक ना, मान लेता हूं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है, इसका वॉल्यूम कितना है V2। एक कंटेनर और ले लेते हैं, इसे मान लेता हूं मैं सोल्यूशन नंबर 3 है, तो सोल्यूशन नंबर 3 यहां से देखो, मान लो ये सोल्यूशन है तुम्हारे पास और इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेता हूं मैं π3 और वॉल्यूम कितना है V3, मतलब अपने आप से जो मन करे वो मान लो। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि आप बताइए कि कितना इसका ठीक ना रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। तो फिर कुछ भी नहीं करना है, देखो ध्यान से रिजल्टेंट अगर मैं पी टोटल यहां से पूछूंगा तो आप देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, पहले सोल्यूशन का π1 V1 वैसे याद करो m1 V1 + m, जब अलग अलग मोडलिटीज वॉल्यूम का सोल्यूशन मिक्स करते थे तो क्या आता था ठीक ना, m1 V1 + m2 V2 + m3 V3 डिवाइडेड बाय क्या होता था V1 V2 + V3 यानी वॉल्यूम टोटल π1 V1, फिर क्या हो जाएगा देखो π2 V2, फिर क्या हो जाएगा π3 V3 और प्लस जो भी और मान लो हो तो, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम यानी V1 + V2 + V3 और भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पाई टोटल निकालने का फॉर्मूला हो गया, जब अलग अलग सॉल्यूशन जो कि नॉन रिएक्टिंग है आपस में मिक्स करेंगे तब ठीक है ना। थोड़ा सा इसको और इक्वेट किया जाए तो π1 V1 अगर निकाला जाए तो आप देखो ध्यान से π1 V1 किसके बराबर हो जाएगा, N1 I1 के बराबर, π2 V2 किसके बराबर हम लोग कर सकते हैं N2 I2 के बराबर, और π3 N3 किसके बराबर कर सकते हैं हम लोग N जो है π3 V3 किसके बराबर कर सकते हैं हम लोग N3 और I3 के बराबर। तो यहां से भी हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल फॉर्मूला हम याद रखेंगे, मोलरिटी जैसे रिजल्टेंट निकालते थे वैसे ये भी आ गया फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देता हूं मैं ताकि और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाए ठीक है ना। खूब अच्छे से देखो ध्यान से, पहला सोल्यूशन खूब अच्छे से है ना, 2 मोलर अपने पास 2 लीटर 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन है, 2 लीटर 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं ठीक है ना, यूरिया का कितना जो है π1 है वो पहले निकाल लिया जाए ठीक है ना, फिर इसके लिए निकाल लेते हैं कितना हो जाए और ऐड कर देंगे तो आपका आना शुरू हो जाएगा ठीक है ना। या और एक तरीके से देखो मैं इसको सॉल्व कर दूं तो और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा ठीक है। कैसे देखो,
पाई वन में निकाल लूं, तो अगर मैं पाई वन मान लो देखो यूरिया के लिए न्यूमेरिकल ऐसे बनाना और आसान हो जाएगा, इसके लिए निकाल लो पाई कितना हो जाएगा, टेम्परेचर सब कुछ दे ही रखा है ठीक है ना, और पाई वन बी वन लास्ट में कर दिया जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर मैं पाई वन लिखूं तो पाई वन क्या हो जाएगा, देखो एन थ्योरेटिकल ठीक है ना जो भी है तुम्हारे पास, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम, इंटू क्या हो जाएगा आर, इंटू टी, इंटू क्या हो जाएगा वन हाफ फैक्टर, ये क्या हो गया तुम्हारा पाई वन की कहानी ठीक है ना। और फिर ऐसे हम लोग अगर पाई अच्छा एन थ्योरेटिकल निकाल लेंगे, वन मोलर यूरिया मतलब वन मोल पर लीटर, तो मतलब एक मोल यूरिया ही है, तीन लीटर मतलब दो मोलर मतलब क्या हो गया दो मोल NaCl, ये फिक्स हो गया ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से पाई वन निकल जाएगा, सब कुछ लिख दिया जाए तो पाई वन हम लोग किसके लिए मान रहे हैं देखो यूरिया के लिए, एक तरीका तो ये है फार्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं यूरिया के लिए सब मैं लिख देता हूँ, एन थ्योरेटिकल अगर बोलो एन थ्योरेटिकल कितना हो गया वन, आर की वैल्यू आप जानते हैं कितना 1/12, टेम्परेचर कितना देखो 300 केल्विन, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दे रखा है कितना है 2 लीटर, और आर की वैल्यू हम लोग लिखी दिए थे ऊपर, और वन हाफ फैक्टर क्योंकि लीटर एटीएम में है तो लीटर एटीएम और आई लीटर लिखेंगे, लीटर एटीएम पर मोल और पर केल्विन, और आई की वैल्यू इसके लिए क्या होती है 1। अब हमारे पास इधर क्या है देखो, इधर कंपाउंड है तुम्हारा NaCl, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे पाई 2, कैसे निकलेगा देखो एन थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय वी आर टी इंटू क्या हो गया 1/2 फैक्टर, यहां भी सारा डेटा लिख दिया जाए। एन थ्योरेटिकल की बात करूंगा तो देखो 2 मोलर NaCl, 2 मोलर मतलब 2 मोल NaCl डिजॉल्व में 1 लीटर सॉल्यूशन में, यानी एन थ्योरेटिकल कितना हो गया 2, आर की वैल्यू उधर लिखे आ रही है, टेम्परेचर की वैल्यू उधर से, और 1/2 फैक्टर NaCl स्ट्रॉन्ग लिक्विड कितना होता है 2, यहां से पाई वन बी वन आ जाएगा ठीक है ना, पाई वन आ जाएगा इधर से पाई टू आ जाएगा, इस फॉर्मूले में रख देना आंसर आ जाएगा। तो यहां तक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके अगले पार्ट में इस वाले टाइप के क्वेश्चन को एक तरीके से और आपको सिखाता हूं मैं, वो थोड़ा और आसान हो जाएगा ठीक है ना। तो यहां तक आपको आई होप समझ में हो गया होगा, क्वेश्चन का कैलकुलेशन आप घर पे कर लीजिएगा। थैंक यू।